क्या आप गजट के बारे में जानते हैं? बराबर कोई ना कोई काम पड़ता होगा तो आपको गजट की जरूरत पड़ेगी और गजट में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार से काम करना पड़ता है। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूशन भी खोलना है, कोई भी संस्था खोलनी है, तो सभी लोग सबसे पहले देखते हैं कि गजट में क्या लिखा हुआ है, या कोई भी इंफॉर्मेशन सरकार के बारे में जानना हो तो गजट को ही खोजा जाता है। आखिर गजट होता क्या है, गजट की जरूरत इतनी क्यों है, और गजट में ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये दो तरह का लिखा रहता है, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, ये समझना आज के लिए सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं सारी बातों में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हम सभी जो इंडियन है, जो इंडिया के नागरिक है, सभी के लिए बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है। तो कुछ मिनट का वीडियो है, लेकिन ये चीज सीख लीजिए, आपको लाइफ में कभी ना कभी गजट की जरूरत जरूर पड़ेगी। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जर्नल जो होता है, जैसे न्यूज़पेपर होता है, तो जब भी समाचार पत्र होता है ना, न्यूज़पेपर कहते हैं, तो ऐसे ही गजट का हिंदी में राजपत्र कहा जाता है। जस्ट लाइक मिलता जुलता नाम है ना, समाचार पत्र, राजपत्र, मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि जैसे हम लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल न्यूज़पेपर समझ लीजिए, उसको गजट कहा जाता है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो या कोई मिनिस्ट्री हो, कोई भी काम करेगी, कोई भी एक्टिविटी करेगी, तो वो जो टाइप करके फाइनली आउटपुट और अपने देशवासियों को बताएगा, वो गजट के रूप में बताया जाएगा। जैसे कि हम लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर में वो सारे इन्फॉर्मेशन रहता है जो अपने देश दुनिया में एक्टिविटी होते रहता है, वो सब इन्फॉर्मेशन रहता है, तो वो कोई ऑफिशियल तो होता नहीं है, वो कोई प्राइवेट प्लेयर चला रहा होता है। लेकिन जब गवर्नमेंट की बारी आएगी, सरकार जो है खुद से न्यूज दे रही है, ऑफिशियल न्यूज दे रही है, तो वो कैसे पता चलेगी, तो वो जो प्रिंट होता है वो गजट के रूप में प्रिंट होता है, और एक होता है वीकली मतलब कि साप्ताहिक, और एक होता है डेली वेज। अब आप कहेंगे साप्ताहिक और डेली बेसिस क्या हो गया, साप्ताहिक का मतलब हो गया कि सप्ताह भर का जो भी काम होगा वो सप्ताह भर वाले जो गजट होगा उसमें मेंशन हो जाएगा, और डेली का मतलब हो गया कोई रैंडम डे, मतलब कोई साप्ताहिक फिक्स नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई कानून पास हो गया है या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसको पब्लिश करना है, तो ऐसे में जो है किसी भी डे उसको पब्लिश किया जा सकता है। तो ये जो आप ऑर्डिनरी गजट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट सुनते हैं या प्रिंट देखते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो साप्ताहिक साप्ताहिक होगा वो होगा ऑर्डिनरी गजट, और जो किसी भी दिन पास हो सकता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट हो जाएगा, मतलब कि स्पेशल कंडीशन में ये कानून पास किया गया या ये नोटिफिकेशन प्रिंट किया गया, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट कहा जाता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है कि सरकार द्वारा ऑफिशियल न्यूज देने की प्रक्रिया को ही गजट ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो जो न्यूज़पेपर हुआ जिसको हिंदी में राजपत्र कहते हैं, इंग्लिश में उसको गजट कहते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट भी अपना जो है गजट प्रिंट करती है या कहते हैं अपलोड करेगी, और ये सब आप एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब अपने देश में, चूंकि डिजिटल इंडिया है, आप सभी को मालूम है कि एवरीथिंग धीरे धीरे जो है डिजिटलाइज हो रही है, तो ऐसे में जैसे न्यूज़पेपर को आप डिजिटली एक्सेस कर लेते हैं, वैसे ही गजट, चाहे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे उस स्टेट के पोर्टल पे भी गजट होगा। और रही बात अगर इंडियन गवर्नमेंट का देखना चाहते हैं, तो इसका ऑफिशियल है, जब गजट वाले पेज पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, तो हर एक मिनिस्ट्री का अलग अलग जो है गजट का ऑप्शन मिलेगा, डेली वाइज मिलेगा और एक जो है वीकली वाइज भी मिलेगा। आई होप गजट के बारे में अब आप समझ चुके होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट क्या होता है, ऑर्डिनरी गजट क्या होता है। अगर आपके लिए 1% भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, ऐसे में ये इन्फॉर्मेशन को दूसरे के साथ शेयर करके उनकी भी जानकारी बढ़ाइए, और कमेंट में जरूर लिखिए क्या इस वीडियो से पहले गजट के बारे में आपको मालूम था या नहीं मालूम था।